ढोकला का बैटर और चटनी अभी बना देती हूँ, सुबह टाइम बच जाएगा। मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर पर सब लोग सो रहे हैं और मेरी बीवी अकेले काम कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी की मदद कर दूं। मदद तो मुझे चाहिए, ये लो करो, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन हो रही ढोकला बनाने की? मयूरी को हराने में। आज मैं उससे मिलकर आई मानव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कौमुदी भाभी को बहुत टफ कंपटीशन है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है। तुम क्यों टेंशन लेती हो, हम सब है ना भाभी की मदद करने के लिए। हम है तो सही मानव, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे मयूरी दिखती है ना वैसे वो है नहीं। जरूरत से ज्यादा स्वीट बनना, हर काम का शौक रखना, कम ऑन, मुझे लगता है कि वो दिखावा करे। दिखावा? हाँ मानव, पर आई एम नॉट श्योर, और इस बारे में पता करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी कोई भी थैंक यू या सॉरी नहीं लेता जब तक उसके साथ मुझे। मानव क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। से पहले कोई देख ले। जाओ। ये लाइट को क्या हो गया? वैसे तुमसे बात करने के लिए ना तुम्हें किडनैप ही करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यहां साथ में रहते हुए भी हम कितना दूर हैं। I'm sorry. वो भाभी की टेंशन में। तुम्हारी सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, सॉरी के साथ तुम्हें एक हे भगवान दादाजी दादाजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कैसे? अंदर आके बताऊं? आई अंदर। जय श्री कृष्ण राजी। जय श्री कृष्ण बेटे। जय श्री। दादाजी आप अचानक इतनी रात को इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी मतलब? मैं क्या 2-4 महीने बाद आने वाला था? अरे घर की याद आ गई तो चला आया। हाँ इतनी रात गए नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक बात बताओ, मैंने दरवाजे की बेल बजाई भी नहीं थी और तुमने दरवाजा खोल दिया। इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ हॉल में क्या कर रहे थे? और ये दुपट्टा तेरे गले में कैसे आया बेटा? वो हवा से उड़ के गले में आ गया था। अच्छा अच्छा, और दुपट्टे की वजह से तुम चूल्हे पे गिर पड़े और उसकी वजह से वो तकिया नीचे गिर गया है ना। समझ गया समझ गया। दादाजी मैं आपका कमरा ठीक करके आती हूँ। दादाजी हम सिर्फ बातें कर रहे थे। हाँ समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ। इसे प्यार कहते हैं, मैं भी ऐसा ही करता था। फुर्सत के 2 पल निकाल कर तेरी दादी के साथ घंटों तक बातें किया करता था। 2 पल में घंटों बातें? प्यार में लॉजिक नहीं देखते, भावना देखते। चल बेटा आज मैं तुम्हें प्यार जताने के कुछ पुराने नुस्खे बताता हूँ। आजा आजा मेरे रूम में। दादाजी वापस आ गए, पर उनके पीछे इस घर में क्या क्या हुआ ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं। मुकुट के बारे में कोई बात नहीं करेगा।
आश्रम में सब कुछ कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा, इस बार का ध्यान शिविर तो बहुत ही अच्छा रहा। जय श्री कृष्ण। उमा नाश्ता लगवाओ। हाँ, रंजना संजना सब आ गए, नाश्ता ले आओ। मैं देख। थैंक यू। ये तो मुकुट भाई के लिए लेटर, अहमदाबाद बिजनेस एसोसिएशन से। पढ़ जरा पढ़, मैं कोई नोटिस ना भेज दिया। नहीं पापा, ये तो गुड न्यूज है। अहमदाबाद एसोसिएशन ने भैया को इस साल के लिए यंगेस्ट बिजनेस लीडर अपॉइंट किया है, और इसी खुशी में उन्होंने नेक्स्ट वीक एक पार्टी भी रखी है, जिसमें भैया को और उनकी वाइफ को इनवाइट किया। मैं अभी आई। शाबाश बेटा, शाबाश। अरे तू तो मतीलाल से भी दो कदम आगे निकल गया है। और इसी खुशी में उन्होंने नेक्स्ट वीक एक पार्टी भी रखी, जिसमें भैया को और उनकी वाइफ को इनवाइट किया। क्या हुआ बेटा, बोलता क्यों नहीं? मुझे खुशी नहीं हुई। नहीं दादाजी, मैं वो मुझे एक क्लाइंट से बात करनी थी, तो उसी के बारे में सोच रहा था। बहुत दिनों बाद खुशखबरी आई है इस घर में, तो मैंने सोचा आज नाश्ते से पहले सबका मुंह मीठा। मैं एक मिनट उससे बात करके आता हूँ। आप जाके मुकुट भाई का मुंह मीठा कीजिए, मैं यहाँ सबका मुंह मीठा करूं। हाँ मुकुट, आज इतने सुबह फोन किया? एक न्यूज देनी है तुम्हें। अहमदाबाद बिजनेस एसोसिएशन ने मुझे यंगेस्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना है। वाओ, ये सब न्यूज नहीं है, इट्स अ ग्रेट न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट लंच? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद ये खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इटालियन फूड? तो ठीक है, मैं किसी इटालियन रेस्टोरेंट में टेबल बुक करके तुम्हें वापस फोन करता हूँ। ओके बाय। वो मैं हेलो, हाँ इटालियन रेस्टोरेंट, या दो लोगों के लिए टेबल बुक कर दीजिए लंच के लिए। थैंक यू सो मच। मम्मी, अब इसमें लिखा है कि वाइफ को लेके जाना, तो आई थिंक भाभी को जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? बाप, मैं उन्हें मिठाई देने गई थी, लेकिन मुंह मीठा करना तो दूर, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि मेरे ही सामने उन्होंने मयूरी को फोन करके किसी इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाने की बात की। क्या? भाभी आप प्लीज मत रोइए। हाँ बेटा, मानव सही कह रहा है, तुम्हें ये रोने की आदत छोड़नी होगी। रोती हुई पत्नी किसी भी पति को अच्छी नहीं लगती। अब जब कोई अपना चोट पहुंचाता है तो रोना तो आता ही है मम्मी जी। मुकुट भाई के इस अचीवमेंट पे कौमुदी भाभी का हाथ है। अगर मुकुट भाई ने दिन भर काम किया है तो रात को जाग जाकर कौमुदी भाभी ने उनका ख्याल रखा है। जो खुशी मुकुट भाई मयूरी के साथ शेयर करना चाहते हैं, उस पे पहला हक कौमुदी भाभी का है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आपको आपका हक दिलाकर रहूंगी। अरे मन के लड्डू से पेट नहीं भरता, जो बोल रही हो वो करके दिखाओ।
मम्मी जी, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मानव मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। Hello? Am I speaking to Mayuri Rahul? Yeah, speaking. Ma'am, I'm calling from Italian Town Restaurant. Actually, Mr. Mukul Borisagar ne aapke saath ek booking karayi thi. I'm sorry to say, wo ek ghanta delay ho gaya. Okay, toh matlab hume ek baje ki jagah do baje pahunchna hoga. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Ho gaya? Kaam ban gaya. ये सब लोग यहाँ कैसे आते? छनछन, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई तमाशा हो गया तो? भाभी, कोई तमाशा नहीं होगा, होगा तो सिर्फ इंसाफ होगा। चलिए। मुकुट भाई, आप यहाँ? हाँ, वो एक क्लाइंट आने वाला यहाँ पर, लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम पास में ही एग्जीबिशन के लिए गए थे, तो सोचा कुछ खाते हैं, तो इटालियन रेस्टोरेंट आ गए। वैसे अच्छी बात है, हम सब मिलकर आपका अचीवमेंट सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाभी, आइए बैठिए, साथ में खाना खा लेंगे। चलिए। नहीं, मैं नहीं, वो क्लाइंट यहाँ पर आने वाला है ना, तो मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा सकता। तो ठीक है ना, आप क्लाइंट को आने दीजिए, वो हमारे साथ ही खा लेगा। नहीं, आइए भाभी, बेटा एक चेयर। कहीं मयूरी तो नहीं आ जाएगी ना छनछन? भाभी, ना मयूरी आएगी और ना उसका फोन। मैंने मुकुट भाई का फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्या भाभी, आपने मुकुट भाई को कंग्रेचुलेट ही नहीं किया? मतलब सुबह सबके सामने आपको मौका ही नहीं मिला? कोई जरूरत नहीं है, जो आज खाने पर आ गई था, तो खुद ही समझ में आ गया होगा ना, मैं तुम्हें गंवार क्यों बुलाता हूं, क्यों तुम्हें कभी अपने साथ लेकर नहीं आता हूं। ऐसी जगह आने की हैसियत तो मिल गई, लेकिन तमीज कभी नहीं मिलेगी तुम्हें, कभी नहीं। बेटा, नहीं बा, उन्होंने आज मुझे साफ जता दिया कि मैं किसी लायक नहीं हूं। आज के बाद मैं उनके साथ कभी बाहर नहीं जाऊंगी। आज का तो दिन ही खराब है, अच्छा हुआ तुम आज नहीं आई। पता नहीं वहां कैसे अचानक मेरी पूरी फैमिली पहुंच गई,
और मजबूरन मुझे उन लोगों के साथ बैठकर लंच करना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग फिर कभी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ओके बाय। मुझे लगा कि इतने लोगों के सामने वो कौमुदी भाभी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो अच्छा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छा है। वो जितना तुझे शर्मिंदा कर रहा है ना, कल जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे भी उतना ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसके सुधरने के लिए ये बहुत जरूरी है। बेटा, तू अपने आंसू पी कर उससे अपनी ताकत बना, क्योंकि तू उसके साथ बिजनेस पार्टी में जाएगी। हाँ भाभी, और उसके लिए साड़ी मैं आपके लिए चुनूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कौमुदी पार्टी में कौन सी साड़ी पहनकर जाएगी वो मैंने पहले ही ऑर्डर कर रखा है। अभी आती हूँ मैं। ये ले। ये ले। मम्मी जी, कौमुदी भाभी ये पहनेंगी? हाँ, क्या खराबी है इसमें? अरे सोने के तार जड़े हुए हैं, वहां पार्टी में सबको पता तो चले कि बोरीसागर परिवार का सिर्फ बड़ा बेटा ही नहीं, बड़ी बहू भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा बा आपने, कम तो किसी से है ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे गंवार और बेवकूफ औरत जो है। बाप को क्या लगता है, ये साड़ी पहनकर वहां मेरे साथ जाएगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, पीठ पीछे बातें बनाएंगे कि देखो आज के जमाने का बिजनेसमैन और वाइफ देखो कौन से जमाने की साथ लेकर चलता है। कोई जरूरत नहीं है कहीं मेरे साथ चलने की, ये पार्टी में मैं मयूरी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कुछ भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? कौमुदी तुम्हारी पत्नी है, उसको छोड़कर किसी दूसरी औरत। बाप मेरी दोस्त है वो, और इससे तो लाख गुना अच्छी है वो। बाप बस मैं पार्टी में जाऊंगा तो मयूरी को साथ लेकर जाऊंगा, और इस बारे में मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। मुकुल, बेटा बेटा तू फिक्र मत कर, तू ही जाएगी उसके साथ पार्टी में, और उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुकुट भाई का माइंड चेंज हो जाए और वो आपको पार्टी में ले जाए। लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ छनछन? भाभी जो कमियां मुकुट भाई आप में देखते हैं, आपको उन कमियों को पूरा करना होगा। फिर आप देखिए भाभी, सिर्फ मुकुट भाई नहीं, आप अपने आप को भी साबित कर देंगे कि आप उस मयूरी से लाख गुना अच्छी हैं। छनछन, आइडिया तो तुम पहले भी लेकर आई थी, लेकिन देखा ना क्या हुआ रेस्टोरेंट में। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन हम सब है ना कौमुदी भाभी के साथ, हम करेंगे उनकी हेल्प। अरे इसमें सिर्फ हमारी मदद से कुछ नहीं होगा, हमें इसमें भगवान का साथ चाहिए। कौमुदी की शादी को बचाने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए हमें। हे भगवान, कल कौमुदी मनकामना मंदिर की 200 सीढ़ियां चढ़कर आएगी और मन्नत मांगेगी कि मुकुट के साथ वो ही जाए उस पार्टी में, इसकी मनोकामना पूरी करना भगवान। अब मुझे ही मानव के साथ मिलकर कुछ करना होगा। भाभी, कौमुदी भाभी कहाँ है? मुझे उन्हें शॉपिंग ले जाना है। छनछन, वो तो बाके साथ मंदिर गई हैं कुछ मन्नत मांगने। मंदिर? हाँ छनछन, कहते हैं उस मंदिर की 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। और बा ने बहुत अच्छा किया जो कौमुदी भाभी को मंदिर लेके गई। कौमुदी भाभी मंदिर गई हैं। कौमुदी को नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, मुझे छनछन से कुछ काम है। छनछन जरा एक मिनट। क्या हुआ मुकुट भाई? मैं सुबह से मयूरी को फोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन लगातार अंगेज आ रहा है, शायद मेरे ही नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। एक मिनट जरा अपना फोन दे दो। हाँ लीजिए ना। थैंक यू। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है,
कमाल है, अभी भी फोन एंगेज जा रहा है। फिर वो जरूर किसी से बात कर रही हो। मगर इतनी देर तक, कल वो रेस्टोरेंट में नहीं आई, सुबह से मेरा फोन एंगेज जा रहा है, किससे बात कर रही होगी वो? मुझे पता है वो किससे बात कर रही है। आपकी मयूरी मिस्टर मयूर पटेल से बात कर रही है।